शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कैप्टन के गढ़ में आकर कैप्टन की धर्मपत्नी परनीत कौर पर बड़ा शब्दी सियासी वार किया है। बादल ने कहा कि उनका मुकाबला महारानी परनीत कौर से नहीं बल्कि डॉक्टर धर्मवीर गांधी के साथ है, क्योंकि महारानी परनीत कौर बुरी तरह हारने जा रही हैं। दरअसल सुखबीर बादल आज आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता शरणजीत सिंह जोगीपुर को अकाली दल में शामिल करवाने के लिए सुखबीर पटियाला सुरजीत सिंह रखड़ा के घर पहुंचे थे। उन्होंने जोगीपुर को पार्टी में शामिल करके सरोपाओ भेंट किया और पंजाब सरकार पर जमकर भड़ास निकालते कहा कि आज लोग कांग्रेस को नाकार चुके हैं। बेअदबी मामले पर एसआईटी से हटाए गए पुलिस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह को फिर से जांच टीम में शामिल करने और फिर से शुरू हुए बरगाड़ी मोर्चों के सवाल पर बादल ने कहा कि जांच और बाकी सभी लोग आपस में मिले हुए हैं, यह सारा खेल मिलकर तुसी मैं कहना है कि पटियाला लोकसभा अकाली दल जीत गई है। घट तो घट लख वोट ते रखड़ा साहब जितणगे, बड़ा तगड़ा माहौल है पंजाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यकारी इन्नी माड़ी है, इन्ने लोग दुखी है, 2 साल हो गए अपने हल्के च भी नहीं आया, 1 रुपया ग्रांट नहीं दिती, गरीबों को बुरा हाल कर दिता। यह तो निकम्मा निखेध मुख्यमंत्री कोई नहीं, तो इस करके महाराणी परनीत कौर मिला तीजे नंबर पर आऊगी। इतने साड़ी जिहड़ी लड़ाई है वो गांधी ना लड़ाई है, राणी ना लड़ाई नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। सीओ ऑफिस के बाहर जो धरना लगाया बरगोड़ की मोर्चा ने कि कमर कुमर प्रताप को वापस लिया जाए, की कहोगे? क्लीयर कट फिर उन्होंने इन्नी मिर्चा क्यों है? सारे रले सी, सारे जिन्हें हैं सारे रले है।